अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर है शाम का टाइम और शाम के खाने की जो है वो तैयारी हो रही है। तो यहाँ मैंने ना पोटैटोज़ रखे हैं, क्योंकि पोटैटो कटलेट्स जो है वो मैंने कहा बना लूँगी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आज क्या बनाऊँ। जल्दी जल्दी में ना कोई चीज़ डिसाइड करनी थी, क्योंकि फिर टाइम जो है वो निकल जाता है तो बहुत देर हो जाती है। तो फिर मैंने कहा कि बस आज जो पोटैटोस पड़े हैं ना, बस इतने ही थे तो इतने ही मैंने डाल दिए। मैंने कहा ये बस जितने हैं तो इतने में कटलेट्स बन जाएंगे हमारे, अभी शाम का खाना हो जाएगा। एक ही है भैला, कितनी गंदी है, इसको साफ करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। साफ करके यहाँ से ना यार, ये ढूंढो ये कहाँ पे रखी है। इसको सही तरीके से, जब से मैं लेके आई मैंने इसको क्लीन भी नहीं किया, बहुत देर रखी है। अब इसको करना क्या है, इसकी ये टांगे जो ये जोड़नी है आपने। जोड़ लेते हैं यार, पता नहीं मिलेगी तब है ना, वो ढूंढते हैं। चलो क्लीन वगैरह करना है इसको, तो क्लीन कर लो। क्लीन तो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर वो करते हैं। क्या हुआ भाई इसको, तो बा इतनी गंदी है। लो जी, तीनों टांगे तोड़ दिए हस्बैंड ने। मैं बहुत खतरनाक हूँ। मैं बहुत खतरनाक हूँ, तो क्लीन कर। ये क्या टेढ़ी क्यों, एक उसमें सही हो गए पक्का? आओ चलो मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, कोई ऑयल शॉयल लगा लेते हैं। तो कहते हैं अंदर पेंट ही कर लेते हैं जो वाइट वाला पड़ा है। हाँ ये है। तो यहाँ पर ये देखें कि मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ किया है। इसको मैंने डिटॉल लगाया पहले कपड़े के ऊपर, डिटॉल लगा के इसको थोड़ा सा हल्का हल्का सा पानी था उसके साथ डिटॉल मैंने ऐसे ही डाला है, डाल के ना ऊपर ड्रॉप्स डाल के ना उससे अच्छी तरह रब किया मैंने इसको। ज़्यादा गीला नहीं किया, क्योंकि ये बोर्ड है वो जो ये इस तरह का बोर्ड है, तो ये फिर ना गीला होकर ख़राब हो जाएगा। तो सेकंड हैंड है बस, मुझे थोड़ा सा जो है ना, पहले मैं सोच रही थी मैं लूँगी अच्छी वाली जो है ना वो मैं लूँगी, लेकिन पहले मैं चाह रही थी मुझे आ जाए तो फिर है ना, अगर आए ही ना और ऐसे खामखा जो है ना मैं इस पर ख़र्चा करके रख लूँ। तो यहाँ पर बस इसको अभी मैंने क्लीन किया है डिटॉल के साथ, बाहर से भी कर तो लिया है लेकिन बाहर से इसका कल वो डिज़ाइन ही इस तरह का है। तो इसके ऊपर अभी बाकी वाला रख के, तो ये मोटर वाली है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको फिर स्टार्ट करते हैं और काम करते हैं इसका। ये वैसे साफ़ सुथरी हो गई है, बहुत ज़्यादा ख़राब थी लेकिन बिल्कुल साफ़ हो गई। अभी मैंने इसको साफ़ किया और ऊपर से कोई जम्स वगैरह भी नहीं है, डिटॉल वगैरह भी लगा दिए। आलू अभी बॉयल हो रहे हैं, कपड़े यहाँ पे धुल रहे हैं, और अभी जो है ना बेड शीट्स दोनों इस रूम की भी और वो जो उधर पड़ी है सामने वो भी मैंने धो देनी है। तो आप लोग कहेंगे शाम के टाइम जो है कपड़े धो दिए, तो शाम के टाइम बस इजी रहता है मेरे लिए, किसी भी टाइम धोना इजी रहता है, मुश्किल नहीं होती। अभी देखते हैं पोटैटोज़। चलिए यहाँ पर बॉयल हो गए थे और इनको मैंने ठंडे पानी में डाल के ना रख दिया है, तो ये थोड़े से ठंडे हो जाएँ उसके बाद आके ना इंशाल्लाह हम बनाते हैं कटलेट्स। और तब तक जो है ना रूम में जाके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थक गए, थक नहीं गए बल्कि गर्मी ज़्यादा लग रही है। पोटैटोज़ जो है ना वो ठंडे हो गए थे, तो अभी मैंने इसको पील कर लिया है इसका जो है ना, और मैं कर लेती हूँ इसको मैश। कितनी तुम थक रही होगी ना, देखे व्लॉग में, देखे ना भाई व्लॉग बन रहा है, हाँ व्लॉग बनता देख के कहते कितना। अय अल्लाह, चले आज का तो हो गया ना खाना। हाँ थोड़ा सा, थोड़े से थे आलू, छोटे छोटे थे तो थोड़े से ही थे। बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, ये पता चल गया कि आज बनाना क्या है, ये बड़ी बात है। हाँ ये बड़ी बात है सबसे। वैसे इसकी मुकम्मल जो रेसिपी है ना वो मैं बहुत बार दे चुकी हूँ, तो आज मैं मुकम्मल इसकी रेसिपी नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही, मेरे चैनल पर है ऑलरेडी। ओए अल्लाह, तंग आ जाएंगी एक ही चीज को देख देख के। थोड़ा सा डालना मैंने, ये तुमने मसाले इसमें रखे हुए? और कौन से, किस में रखने थे? इसी में ही रखने थे, मैं भूल गया था। गरम मसाला ये सारी चीजें खत्म। अच्छा ना, वैसे एक एक डब्बा डब्बी नहीं खोलनी पड़ती। आराम से इसी में से निकालो और बस। ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ये
मसाला बॉक्स की। एक एक डब्बी नहीं खोलनी पड़ती। अच्छा ये 12 इंच का था ना, किसने पूछा कि एक तो इसका लिंक वो दराज पे सबसे ज्यादा जो हाई रिव्यूड है उसको क्लिक करके ओपन मंगवा सकते हैं। ये अच्छा था वैसे इसका, ये अच्छा है, ये 12 इंच का ही है, 12 इंच का है ना, I don't remember 12 का ही है, ये 12 का लिखा हुआ था, 12 का है, इतना बड़ा तो है। तो ये 12 का ही है और इसकी जो लिंक है ना वो आपको, पता नहीं मुझे तो याद बिल्कुल सेम लिंक तो मुझे याद नहीं है, मैं ढूंढ लूंगा, अगर मुझे मिल गया तो मैं लिंक लगा दूंगा। चलो ठीक, ये मेरा फ्राई पैन भी ख़राब हो गया, अब इसको भी बस इंशाल्लाह चेंज करना है मैंने, क्योंकि इसमें अब देखिए ना स्टिक हो जाती है जल्दी चीज़। अच्छा इसका ना कलर आज उस तरह नहीं आया, क्योंकि हमेशा मैं इसमें थोड़ा सा ना फूड कलर थोड़ा सा डाल देती हूँ, बिल्कुल एक पिंच जो है ना ऑरेंज फूड कलर डाल देती हूँ, तो वो ज़रा ऑरेंज ऑरेंज सा या रेड रेड सा हल्का सा जो है ना कलर आ जाता है, लेकिन आज इसका कलर मैंने कलर नहीं डाला, तो इसका कलर भी बस हल्का सा ही ऐसे ब्राउन हुआ है। और वैसे इसको मज़ीद मैं कर सकती थी, लेकिन अब बस जल्दी जल्दी बनाना है और खाना है। चलें जी, कटलेट्स हमारे रेडी हो गए हैं और अभी बनाते हैं साथ में रोटियां, केचप ले लेंगे थोड़ा सा, इस तरह से जो है ना हमारा आज का खाना ये हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा और इजी इजी क्विकली बन जाता है, अभी मुझे तकरीबन आधे घंटे में ही मैंने ना सारा बना लिया। तो ये है जी मेरी मशीन जिसको मैंने इसके ऊपर रखवा दिया है, और अभी इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सही से चल रही है कि नहीं चल रही, तो फिर इसमें धागा वागा डाल के फिर मैं इंशाल्लाह जो है वो, ये तो फिर कल ही करूँगी, आज तो नहीं करूँगी, जो स्टिचिंग करनी है ना वो तो कल ही करूँगी, वो आज नहीं होगी, देर हो गई है, काफ़ी देर हो गई। चले अभी हम इसको देखो लगा तो दिए है, अब अल्लाह करे ये सही से जो है ना चल जाए। करनी पड़ती है ना हालत, देखिए यहाँ पे रस्ट की ये वो हजार सौ चीजें हो जाती, वो तो खुद भी शायस्ता सिस्टर ने साफ करके सारी ना डाल के, ये क्या होता, ये पता नहीं, ये नहीं पता तुम्हें, नहीं पर इन चीजों को मुझे नहीं पता, मैं सीधी सीधी सलाइयाँ लगा लेती हूँ, बस सीधी सीधी सलाइयाँ मुझे दे तो बस मैं लगा लूंगी, मुझे पता बट मैं नहीं बताऊंगा, ट्राउजर भी स्टिच कर लूंगी और शर्ट भी अब मुझे आती है स्टिच करनी, लेकिन डिजाइन स्टाइल मेरे से कुछ नहीं बनते, सफाई सफाई मेरा मुझे नहीं आती, सफाई सफाई से सीना, इसका भी नहीं पता तो तुम्हें क्या पता, ये क्या वो टांका छोटा बड़ा करते है ना इसे, ना मैं तो नहीं बता रहा, वही है, मैं नहीं बता रहा, वही तो है, इससे टांका छोटा बड़ा करते हैं, आप बताएं क्या करते हैं इससे, देखना पड़ेगा, ये ना इसको ऊपर नीचे करते रहते हैं तब चलती है मशीन, ना ना हाँ ना ना, एक हाथ से इसको ऊपर नीचे करते हैं, एक से पांव उधर दबा के रखते हैं और क्या, हाँ मजाक कर रहे हैं कि सच क्या है, ना ना ट्राई करते हैं, ना ना ऐसे मुझे पागल बना रहे हैं क्या, ना भाई आता तो इसको कुछ है नहीं, अब भाई मतलब आता तो इसको कुछ है नहीं, चलो जो जैसे कहूंगा ना वैसे करती रहेगी। तो वालेकुम सलाम, मिला पाला मेरी जान, आई भाई हिलानी हिलानी मेरी जान। चलो भाई अब हम इजाज़त दें, अब हम बंद करते हैं अपना ब्लॉग, ख़त्म करते हैं यहीं पे, तो कल आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह, इसको स्टिच करके भी इस पर कुछ दिखाऊंगी, क्या लगा हुआ है इसके ऊपर, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है, तब तक दीजिए इजाज़त, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।